मतलब मलेशिया की धरती पे हम लोग बिहार और यूपी की जो महक है उसको हम ऐसा बिखेरने वाले हैं, देखना आप। जब आप लोग ढिशुम पे देखेंगे तो ढिशुम से अपने घर पे अपने बेड पे ढिशुम से गिर के बोलेंगे वाह ढिशुम ने कमाल कर दिया। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन हमारे रवि भैया को कोई घमंड नहीं है। जिंदगी झंड बा वो फिर भी घमंड बा। Two, makeup, one. मेरे पैर में मोच आ चुकी है रिहर्सल के टाइम करते वक्त, बट मलेशिया अवार्ड शो का इतना ज्यादा उमंग तरंग मन में है कि मोच आने के बावजूद भी मैं परफॉर्म करूंगी। भोजपुरिया माटी के रंग आज हिंदुस्तान से निकलकर समस्त विश्व के सामने आ गए। मलेशिया में भोजपुरी के मान सम्मान में चार चांद लगावे खातिर पहुंचल हर सितारा आपन पूरा रंग में रंगल नजर आ रहा बाड़ा। भोजपुरी का मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, मैंने मेरी शुरुआत ही भोजपुरी फिल्मों से की, इतनी सारी फिल्में की मैंने। अंजना सिंह 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 एंड फाइनली मलेशिया में हम लोग साथ परफॉर्म करने वाले हैं। अब मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलूंगी, जिसमें से कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जो पहली बात आपके मन में आएगी, मतलब जो जवाब, वो आपको देना होगा। सबसे लेट लतीफ एक्टर कौन है आपके हिसाब से, एक्टर एक्ट्रेस? पवन जी। आई एम सेम। कोई तो होगा, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। नो कमेंट्स प्लीज। मुझे लगता है कि इस बार हर बार से ज्यादा धमाल होने वाला है। मॉरिशस, दुबई, लंदन के बाद अब है मलेशिया की बारी। सो मलेशिया में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री धूम मचाने वाली है। एक तरफ जहाँ सितारा लोग अपन तैयारी में कौनो कोर कसर न छोड़ रहल बाड़न, तब दूसरा तरफ मंच भी खूब जम के सज रहल बा। लाइट कैमरा सेट से लेके रेड कारपेट तक महा जश्न के महा तैयारी अपन पूरा शबाब पर बा। सबसे बड़ा पेट पुजारी कौन है? कौन भैया? मेरे बाजू में बैठी थी शिविक का दीवान। नहीं, आप खाते हैं? मैं बहुत खाता हूँ। मलेशिया में है और हम लोग जा रहे हैं घूमने, ट्विन टावर देखने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर साथ में हैं, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। IBFA समारोह खातिर भोजपुरी के सितारा लोग जहाँ एक तरफ कड़ा मेहनत कर रहल बाड़न, और ये मस्ती के कोनो मौका भी नहीं खन छोड़त। ट्विन टावर, वाव क्या बात है, मजा आ गया। एकदम जम के तैयारी हो चुकल बा हमार और आकांक्षा की। हम लोग फुल मेहनत करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। yes. मजा आएगा। हमने सिर्फ फोटोज में देखा था, सुना था, बट आज रियलिटी में देख रही हूँ और आई एम फीलिंग टू गुड। बहुत मजा आ रहा है। लुलिया मांगे लुलिया का मांगे रे, तो ये जो लुलिया है वो क्या मांग रही है एक्चुअली? लुलिया कहीं हम पूछो मांगे ना, तो तू काहे कहला हम क्या मांगे ना। हां, इफ्फा का अवार्ड मांगे लू, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। जैसे गाने में बोले भतार मांगे, तो लुलिया लड़का ही मांग रही है, अच्छा खासा यंग जनरेशन वाला जवान हैंडसम। लुलिया अपने लिए एक सुंदर सुशील से एक हस्बैंड खोज रही थी। सबसे खास बात ये है कि हमारी जो अवार्ड की ट्रॉफीज हैं वो ट्विन टावर की ही कॉपी है, तो सबसे खास बात यह है कि हमारे लिए जिसको भी अवार्ड मिलेगा उसके लिए जिंदगी भर की पहचान हो जाएगी कि हम लोग मलेशिया गए थे।